माश की दाल जो है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, इसको बनाना जो है बहुत आसान है रेस्टोरेंट स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद ताहिरा में खुश आमदीद। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ माश की दाल। माश की दाल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो बनाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कढ़ाई चढ़ाऊंगी, चढ़ा लिए, इसके अंदर जो है वो पानी डालेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा है, हाफ चम्मच नमक डालूंगी। दाल को जो है मैंने आधे घंटे के लिए साफ करके भिगो दिया था। अब इस दाल को जो है वो कढ़ाई के अंदर डालूंगी। एक टुकड़ा दालचीनी का, चार पांच काली मिर्च और आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा, इसको बंद कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। दाल जो है वो मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह जो है ना वो दाल होनी चाहिए, पूरी फुल गली हुई नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल लेती हूँ। अब इसमें जो है वो हम रख देंगे। और अब इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो मैंने आधी कट्टी जो है धनिया लेकर उसे धो के बारीक काट लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया है, एक टमाटर लिया है और उसको काट लिया है, चार हरी मिर्चें लेकर उन्हें बारीक काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1.5 टीस्पून, नमक हसबे जायका, 6 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 1 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो मैं अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन करेंगे, इसके ऊपर जो है वो अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे। हाफ कप ऑयल जो है वो इसके अंदर डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें डाल दिया है, इसको मैं फ्राई करूंगी। याद रखें कि फ्लेम जो है वो आपने लो नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखनी है, फुल हाई भी नहीं आपने जो है उसको रखनी। लहसुन अदरक जैसे ही थोड़ा सा जो है वो गोल्डन होना शुरू होगा तो फिर इसके अंदर जो है मैं प्याज डाल दूंगी। वो देखिए थोड़ा लहसुन अदरक की खुशबू आने लग गई है और इसके अंदर अब मैं प्याज डालती हूँ। इसको जो है वो थोड़ा सा भून लेंगे। रेस्टोरेंट में जो दाल आप खाते हैं उसमें आप देखते हैं कि तमाम मसाला जात जो हैं वो आपको शक्ल में नज़र आते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि जब हम ये दाल बनाएं तो उसमें आपको तमाम मसाला जात जो हैं वो उसको नज़र आए, ताकि बिल्कुल लुक जो है वो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की नज़र आए। सौते हो गए हैं, इसके अंदर जो है ज़ीरा पाउडर जो है वो डालूंगी, ये मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है। इसके अंदर टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसमें अब हम मसाले डाल लेते हैं। सुरख मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हल्दी, नमक, साबुत मिर्चें और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। दाल जो मैंने बॉईल करके रखी थी अब इस स्टेज के ऊपर वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब
इस स्टेज पर मैं इसमें आधा कप जो है वो पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना आपने, सिर्फ आधा कप पानी डालना है। आधा कप पानी डालेंगे और फिर इसको दम पे पकाएंगे, इसको जो है वो कवर कर देंगे और अब इसको जो है वो दम पर पकने देंगे। चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल में घी जो है वो सारा ऊपर आ गया है और ये देखिए कैसे खिली खिली जो है ये दाल बनी है। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर जो है वो डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए इसको दम देंगे ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। जी तो एक मिनट के लिए इसको दम दे दिया था मैंने। अब इसके अंदर जो है सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। माश की दाल हमारी रेडी है, अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। दाल माश रेडी है, देखिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।